पर क्या कर रहे थे केजरीवाल? दिल्ली पुलिस के सवाल, हैरान हो गए जज साहब। विभव कुमार ने केजरीवाल को बुरी तरह फंसाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक शराब घोटाले के जख्म भरे नहीं कि अब पीए विभव कुमार ने केजरीवाल की हालत खराब कर दी है। विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस के आगे ऐसा खुलासा कर दिया है, सीएम साहब जेल में रोने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल की पिटाई की असलियत सामने आ गई है। खुलासा हो गया है कि सीएम हाउस के अंदर जिस वक्त मालीवाल को पीटा गया, आखिर केजरीवाल उस वक्त क्या कर रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की जमानत का विरोध करते हुए सख्ती से कई खुलासे किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि विभव कुमार प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे बेल दी गई तो वे गवाहों को प्रभावित करेगा। जांच के दौरान पता चलेगा कि दिल्ली के सीएम क्राइम सीन पर मौजूद थे। जिस तरह से आपके सभी नेता और कार्यकर्ता अपनी ही एक सांसद के खिलाफ हो गए, तो ऐसे में हमले को लेकर बड़ी साजिश की भी जांच की जानी चाहिए। यानी कि दिल्ली पुलिस ने इशारा कर दिया है कि स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई करना या करवाना एक साजिश हो सकती है, इसलिए दिल्ली पुलिस जेल में केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है, पूछताछ कर सकती है कि आखिर जब आप सीएम हाउस में मौजूद थे तो क्यों अपनी सांसद स्वाति मालीवाल को बचाया नहीं गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि विभव ने उन्हें गंदे तरीके से पीटा। हैरानी की बात तो ये है कि सिक्योरिटी ने एक महिला को बचाने के बजाय विभव के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उल्टा स्वाति को ही घेरा, और तो और स्वाति का साथ देने के बजाय सीएम साहब विभव को लेकर लखनऊ पहुंच गए। स्वाति को सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह की तरफ से आश्वासन दिलवाए गए। स्वाति ने जब पार्टी की नाकामी देखी उसके बाद बचाव के लिए एक्शन लेने के लिए दिल्ली पुलिस के पास पहुंची, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वाति के साथ हुई घटना एक साजिश रही है। ऐसे में न सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनकी पत्नी भी रडार पर आएंगी, क्योंकि जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई उस वक्त क्राइम सीन पर केजरीवाल ही नहीं, उनकी पत्नी, उनके माता पिता भी मौजूद थे। क्योंकि आगे पुलिस का कहना है, स्वाति मालीवाल का बयान जांच के लिए प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि अपराध के बाद उसी घटना के संबंध में पार्टी के दो जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से यूटर्न ले लिया गया। जांच के दौरान पता चला है कि याचिकाकर्ता और सीएम घटना के तुरंत बाद काफी देर तक क्राइम सीन पर यानी सीएम आवास पर एक साथ थे। तो विभव केजरीवाल के साथ क्या रणनीति बना रहा था, क्या बचने की कोशिश कर रहा था, अब दिल्ली पुलिस इसका भी खुलासा करने वाली है। विभव तो बने ही का, लेकिन संजय सिंह भी अब पार्टी को ले डूबने वाले हैं, क्योंकि जिस वक्त स्वाति को पीटा गया तो संजय सिंह ने माना उनके साथ मारपीट हुई है और ये घटना गलत थी और पार्टी विभव के खिलाफ एक्शन लेगी, ये तक संजय सिंह ने उस वक्त कहा था। लेकिन जब पुलिस तक स्वाति मालीवाल पहुंची तो पार्टी नेता पलट गए, घटना को ही नकार दिया और तो और स्वाति मालीवाल को ही विलन दिखाने की कोशिश की गई। संजय सिंह का ये बयान स्वाति मालीवाल केस में एक सबूत की तरह है। यही वजह है ना तो विभव को जमानत मिल पा रही है और ना ही सीएम साहब की मुश्किलें कम हो रही हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी विभव को जमकर फटकार लगाई थी, गुंडा प्रवृत्ति का शख्स बोलते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि किस हक से ऐसे शख्स को केजरीवाल ने अपने घर में रहने दिया, किस हक से रहने की इजाजत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए विभव को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था और एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने विभव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।